बना के हाथ का शरबत पानी पीने नहीं आई हूँ, मैं तो इसको अपने घर ले जाने आई हूँ। जब तुम मेरे घर आओगे तो तुम्हारा शरबत पानी इसके हाथ से कराऊंगी, क्या कहते हो? कितने दिनों से यही बात मेरे मन में थी। तुम तो जानती ही हो कि चंद्रा का घर बार माँ बाप सब भैया में बह गए। इतनी सी थी जब मैं उसको अपने घर लाया हूँ। तुम्हारा लड़का मुझे बहुत पसंद है, मगर सुनने में आया कि शंभु की बहन की लड़की चंपा से उसकी बातचीत। नहीं नहीं, चंपा की बातचीत तो रामू से पक्की हुई है। इसको तो मैं अपने बिरजू के लिए मांगने आई हूँ। बिरजू के लिए? क्यों, मेरे बिरजू जैसा तो गांव में एक भी छोकरा नहीं है। जरा शरीर है पर अभी उसकी उम्र ही क्या है, पाँव में बेड़ी पड़ते शरारत भी छूट जाएगी। मगर संगत बड़ी खराब है, दिन भर पत्ते रात भर जुआ। देखो मेरा नाम न लेना, सुना है कि सुखी लाला उसको जेल कराने की फिक्र में है, उनकी लड़की से भी छेड़छाड़ करता है, जरा उसको रोकथाम कर। हाँ हाँ, तुम भी गांव वालों की हाँ में हाँ मिलाओ। मेरा बिरजू बुरा है, उसी में खोट है, बाकी सब खरे हैं। मैं तो उसके ब्याह की बात करने आई थी और तुम मेरे ही मुंह पर उसकी बुराई करते हो। देख बिरजू, भेड़िए की तरह मत देख, मुझको डर लगता है। मेरी बात का जवाब दे, क्या छेड़ किया? नहीं नहीं, तू कब छेड़ता, हम ही छेड़ते हैं। कौन बोलता है तू छेड़ता है? ललिता प्रसाद बोलता है। उसने अभी मेरी माँ से कहा कि वो चंद्रा की शादी बिरजू से नहीं करेगा। तेरा ब्याह चंद्रा के साथ? राधा चाची गई थी बात करने, तू एकदम ना बोल दिया। बहुत अच्छा हुआ, मैं बहुत खुश हूँ। तेरी शादी कभी ना हो, किसी से ना हो। रात मैंने विचार किया था कि जब तुमसे मेरा ब्याह हो जाएगा तो मैं बहुत अच्छा बन जाऊंगा। अब मैं ब्याह नहीं करूंगा, अब मैं अच्छा भी नहीं बनूंगा। बिरजू, तेरा ब्याह तो हो चुका है, गांव की जमीन के साथ तूने ब्याह किया है, वही तेरी दुल्हन है। सुखी लाला उसे जबरदस्ती उठा के ले गया, क्या तू उसे छुड़ा के नहीं लाएगा? लाऊंगा, जरूर लाऊंगा। अच्छा हुआ मेरा ब्याह तुम्हारे साथ नहीं हुआ, अब मुझे कोई फिक्र नहीं है, चाहे जीऊं चाहे मरूं। माँ को बेटे के ब्याह का अरमान है, सो रामू का ब्याह करके पूरा हो जाएगा। तुम रामू के ब्याह में आओगी ना?